वेलकम टू टाइगर विदेश है दोस्तों। आज सुबह मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दी थी कि आयोग में आज एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है और मीटिंग के बाद एक भर्ती का नोटिस जारी होगा। तो यहाँ पे नोटिस जारी हो चुका है, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है आयोग की तरफ से। मतलब इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने जानकारी दी थी 100% सही हुई और ये नोटिस आ गया है। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये नोटिस आ गया है। डेट पड़ी हुई है 31 मार्च 2023। आवश्यक सूचना है, विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2022 बंद रोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ये प्रधान मुख्य वन रक्षक एवं वन्य जीव विभाग का ये नोटिस है। और मैंने बताया था आप लोगों को कि ये नोटिस जो है वो फीस जमा करने को लेके आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फीस जमा करने का नोटिस आ गया है, 200 रुपये फीस पड़ेगी यहाँ पे जनरल और ओबीसी वालों के लिए, और बाकी एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पे 80 रुपये की फ़ीस पड़ेगी, ठीक है। 80 रुपये शुल्क जमा करके आप लोग यहाँ पे जमा कर सकते हैं, ठीक है। और ये वेबसाइट पे आप लोगों को कैसे क्या करना है, होम पेज पे जाके मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपॉजिट पे रजिस्ट्रेशन नंबर डीओबी जेंडर डोमिसाइल कैटेगरी अंकित ये सब भर के यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे सब ओपन लिख किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट मॉड्यूल में आप लोग वांछित प्रविष्टियाँ अंकित कर शुल्क जमा करने की कार्रवाई पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना ये लिखी हुई है, देखिए महत्वपूर्ण नोट, शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगा। प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो अभी आप लोगों का एडमिट कार्ड तो नहीं आया है, फीस जमा करने का ही ये नोटिस जारी किया गया है। तो एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम से पहले जारी कर दिया जाएगा, लगभग 1 से 1.5 या 2 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड जारी करके नोटिस से सूचित कर दिया जाएगा। एक बार फिर से साबित हुआ, इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है एकदम सही और सटीक जानकारी दी जाती है आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।